आपका ट्वीट आ गया और पता चला कि जी आपने रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। वजह इतनी खतरनाक है, अगर मैं बताऊं तो पूरा पाकिस्तान दहल कर रह जाए। कराची में नजरअंदाज किया जाना, ना पूछना, जिस हलके से बोले हरा दूंगा उनको आजाद। पीटीआई छोड़ दी मैंने। वो जो तकरीर देकर पढ़ रही थी, वो खुद लिख कर लाई थी ये तकरीर। पहले तो उन्होंने तकरीर नहीं की आपकी इत्तला के लिए, मीडिया से बात कर रही थी। तो इसको आप तकरीर समझ लें, इसको आप जो मर्जी समझ लें। इदारे जो है वो शख्सियात के मजमूने में मिन्नत नहीं होते। अपोजिशन लीडर से मुशावरत वजीर आजम नहीं सदर करेंगे। अगर बात नहीं बनी तो फिर ये मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों के छह छह अरकान होंगे। सदर इज हेड ऑफ दी स्टेट, वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। वो पूरे एक शख्स पूरे हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो बैठ के अगर बात करेंगे उसमें कोई मसला नहीं है। 7 से 8 पीर से जुमेरात की शाम 7 बजे।